आइए तो हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स जो हमें इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में समझा रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या बात समझाता है? बोलता है इंटरमीडिएट गुड्स आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट। व्हाट इज प्रोडक्शन यूनिट? प्रोडक्शन यूनिट का मतलब बाबू क्या होता है? जो कोई सामान को किसी दूसरे सामान में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दैट यूनिट विच कन्वर्ट्स अ रॉ मटेरियल इनटू सम अदर फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, बोलता है इंटरमीडिएट गुड्स मुख्यतः मोस्टली किनके द्वारा खरीदे जाते हैं? तो एक प्रोडक्शन यूनिट उसको खरीदता है फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से। एग्जाम्पल लेके चले, जैसे इन्होंने ब्रेड बनाने के लिए मैदा खरीदा, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो मैदा प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो तेल प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, तो इन्होंने जो मैदा और जो तेल खरीदा, ठीक है, ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट, और जिससे खरीद के लाए वो भी कोई ना कोई प्रोडक्शन यूनिट था। तो होता है इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा एक प्रोडक्शन यूनिट वाला दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से खरीदता है। दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। आइए हम आपको समझा देते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। बोला कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो सामान रहेगा ना वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स ही रहेगा। कल ही वाला एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। कल हमने मिल्क का भी एग्जांपल लिया। यस सर। ठीक है, हमने बोला मिल्क और ये प्रोडक्शन बाउंड्री है स्वीट शॉप वाले, मिठाई की दुकान वाले। मिठाई की दुकान वाले के लिए मिल्क, दूध जो है हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो जो भी प्रोडक्ट अपने मिठाई के शॉप पे ऑफर करेगा वो सब का इंग्रेडिएंट मतलब बनाने का वस्तु मिल्क है, लेकिन मिल्क अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है कहीं। चाहे वो आपको लस्सी दे रहा है, चाहे पनीर दे रहा है, चाहे मावा दे रहा है, चाहे खोआ दे रहा है, चाहे मिठाई दे रहा है, सबका फॉर्म क्या है? चेंज। तो भाई दूध तो कहाँ रह गया? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रह गया ना भाई। और जो बाहर निकला, जो आउटपुट हुआ, वो बना तो दूध से ही है, लेकिन आउटपुट जो चीज हुई है वो बिल्कुल भी दूध से मिल्क वो क्या नहीं करती है, दूध की तरह बिलोंग नहीं करती। उसके अंदर नेचर फीचर मिल्क का है, लेकिन उसका टेक्सचर कलर मिल्क का नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो बोलता है जो भी आपके पास में इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है बीच का। ठीक है, बोलता है जो भी आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स है वो कभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री को लांघेगा नहीं, क्रॉस नहीं करेगा, और जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकलेगा दैट विल सर्टेनली बी अ फाइनल गुड्स। वो क्या होगा? फाइनल गुड्स। कई बात समझ में आती है, कोई दिक्कत इसको समझ कर? चलो, तो बोलता है भाई यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं। यहां पे एक बनाना बॉन्ड बनेगा। बनाना बॉन्ड मतलब एक्सेप्शन है, प्रयास करेंगे देखना होगा आपको छूट जाए भाई दिए कहीं फर्स्ट में बैठ जाएगी पहले दूसरे खरीद के लाता है और अपने यहाँ प्रोडक्शन करने में उसको यूज करता है। ठीक है, लेकिन कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उस चर्चा को हम आगे आज बढ़ाएंगे। एक चीज थी ब्रेड बनाने में ओवन, इसकी चर्चा किए थे। ठीक है, अपनी क्लास लेने में पोडियम, इसकी भी चर्चा किए थे, क्या थे? और इन चीजों पे क्या बोले थे कि भाई ब्रेड बनाने में ऐसा थोड़ी होता है कि एक केजी ब्रेड बना के निकले तो थोड़ा सा ओवन भी उसमें से क्या हो गया, गायब हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। आप इस सीट पे बैठे तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीट को लेकर के चले, या हम एक बैच पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक मीटर से पोडियम मेरा क्या हो गया, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो हम ये बोले थे कि भाई, और लेकिन क्या ये सर्विसेज देने में यूज हो रहा है? हो रहा है। क्या वो ब्रेड बनाने में यूज हो रहा है? हो रहा है। तो यहाँ पे होता है कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोला गया है कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति एक प्रोडक्शन यूनिट वाला कोई सामान दूसरे प्रोडक्शन यूनिट वाले से खरीदे, जैसे ओवन भी तो कहीं से खरीद के ही लाया गया होगा, ओवन को भी तो किसी ने बनाया ही होगा ना। ठीक है, तो या जैसे कि कंप्यूटर ही है, ये लैपटॉप ही है, इसको तो किसी ने बनाया ही होगा ना जो मैं खरीद के लेके आया,
ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ाने के साथ में यहाँ लैपटॉप का एक तो सॉफ्टवेयर भूल जाता है, ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्शन यूनिट वाले से लिया गया है, लेकिन ये प्रोडक्ट बनाने में इसका नेचर टेक्सचर फीचर खत्म नहीं हो रहा है, वो एज इट इज है, मौजूद है। ठीक है, मौजूद है। तो भाई ऐसे केस में इसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं कहेंगे, इसको हम बाबू क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसेट। क्या कहेंगे? एसेट। ठीक है, बोलते हैं कि ऐसा कुछ चीजें होती हैं जैसे परचेजेस ऑफ बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा आर नॉट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर नॉट इंटरमीडिएट परचेजेस। आपको बहुत कंफ्यूज करेगी चीजें। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे यार ये चीज तो भाई इस सर्विस को देने में या इस गुड्स को बनाने में यूज हो ही रही है, तो फिर इसको इंटरमीडिएट क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसको क्यों आप फाइनल कह दे रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे सर आपके लैपटॉप तो यूज कर रहे हैं ना एजुकेशन सर्विस दे देने में, ठीक है आपके लैपटॉप तो यूज कर रहे हैं, ठीक है आप तो ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं एजुकेशन सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि भाई तो आप इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी एजुकेशन सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ये तो यूज हो रहा है। हम बोले भाई यूज हो रहा है, लेकिन क्या ये खत्म हो जा रहा है, क्या इसका नेचर फीचर टेक्सचर चेंज हो जा रहा है क्या? नहीं। तो ऐसे चीजों को हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ना रख करके इनको हम क्या बोलते हैं बाबू, हम इनको फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स हमेशा ही आपके लिए क्या होते हैं? फाइनल गुड्स। ठीक है, अच्छा आपका यहाँ पर मेरे से एक सवाल हो सकता है, हम ही आपको सवाल भी करके जवाब दे देते। जैसे मान लिया कि आपने बोला कि सर अगर ये आपने ये कंप्यूटर अपना बेच दिया किसी को और आपको पैसा मिला, हो सकता है पॉसिबल? इसको क्या बोलेंगे? सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। हाँ फिक्स एसेट्स तो है, लेकिन क्या फर्स्ट हैंड है? नहीं। अच्छा अब सोच के बताना कि ये जो मैंने एसेट सेल किया, ये सेकेंड हैंड गुड्स मैंने सेल किया, क्या इसको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में जगह मिलेगा? पहले से जुड़ा हुआ एक सवाल जवाब सुन रही और बोलो, तो बेचे तो हमको तो पैसा मिला ही ना, डबल काउंटिंग हो जाएगा। चलो नहीं समझ पा रहे तो समझा देते कैसे डबल काउंटिंग हो जाएगा। ये लैपटॉप क्या नया बना है? नहीं बना। कोई भी सेकंड हैंड उसको पकड़ लो, कोई भी सेकंड हैंड, सामने लैपटॉप है इससे लैपटॉप बना, क्या ये लैपटॉप नया बना है? नहीं। ये लैपटॉप कब बना? जब मैंने इसको पहली बार खरीदा था ये तब एक्चुअली नया बना, और तब ये जब नया बना था तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हुआ हो। अभी जब मैंने इनको अगर बेच दिया तो क्या ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है या ट्रांसफर ऑफ गुड्स? ट्रांसफर। तो जब भाई यहाँ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, आज प्रोडक्शन हुआ होगा 2014 में मैंने जब इस लैपटॉप को खरीदा, तो भाई उस टाइम जब प्रोडक्शन हुआ होगा तो आप जानते ही हैं कि जब भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो इकोनॉमी में क्या जनरेट होता है? पैसा। क्योंकि गुड्स जब ये बना होगा तो इसको किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, तो इंजीनियर ने और कुछ इसमें रॉ मटेरियल लगा होगा, कुछ इसमें सॉफ्टवेयर लगा होगा, कुछ इसमें हार्ड डिस्क लगा होगा, ये वो दिस दैट फला ठिकाना जो भी लगा होगा, सारी चीजें खरीदी गई। ठीक है, तो उस टाइम फैक्टर इनकम जनरेट किया होगा इसने? क्या ये आज कोई फैक्टर इनकम जनरेट कर रहा है? आप सीधे सर जवाब देंगे सर कोई गुड्स बन ही नहीं रहा, तो ये किस बात का फैक्टर इनकम जनरेट है? तो इट्स ओनली अ ट्रांसफर। ठीक है, तो एक बार और समझ में आई हम लोगों को कि भाई साहब अगर कोई एसेट है एक बार खरीद लिया गया है तो वो फाइनल गुड्स एक ही बार बनेगा, अगर अगली बार कोई उसको रीयूज करके रीसेल कर रहा है, यूज करके रीसेल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा नॉर्मल रीसेल नहीं कर रहा है, यूज करके रीसेल कर रहा है, तो उस केस में ये नेशनल इनकम को कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि हम कंप्यूटर डीलर हैं और ये लैपटॉप मेरा नया पीस ऑफ लैपटॉप है, ठीक है हम अभी दो तीन केस बताएंगे, हम कंप्यूटर डीलर हैं और ये नया पीस ऑफ लैपटॉप है, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? Yes. न्यू जनरेशन ऑफ व्हाट?
हम अभी भी कंप्यूटर डीलर हैं और हम लैपटॉप रिपेयर करते हैं, रिपेयर, ठीक है। ये बंदा मेरे पास ये नया पुराना लैपटॉप लेके आया है, हम उसको रिपेयर करने का 500 रुपया लिए हैं, कुछ नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्या ये होगा, सर्विस दिए हैं, गुड, कितने रुपए का सर्विस दिए हैं, 500 रुपए का। तीसरा, हम कंप्यूटर डीलर हैं, लैपटॉप डीलर हैं, इसने अपना पुराना लैपटॉप मुझे दे दिया है और मैंने उसको मान लो कि 5000 रुपए का खरीद लिया है, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? क्यों? इट्स मियर ट्रांसफर, ये सिर्फ क्या है, ट्रांसफर। अगला चीज, हम लैपटॉप डीलर हैं, वो 5000 का लैपटॉप जो हमने इससे खरीदा था उसको मैंने ठीक ठाक करके रिपेयर करके अच्छे से फुल्ली फर्निश करके अच्छा से पेंट में मतलब पूरा रीसेलेबल बना करके मैंने उसको 8000 रुपए का बेच दिया है, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? होगा, लेकिन सर जो सर्विस पे लगा है, एक्स्ट्रा सर्विस, एक्स्ट्रा वैल्यू जो जनरेट हुई है 3000 रुपया, क्योंकि मैंने इसको वैल्यूएबल बनाया है, कितना एक्स्ट्रा वैल्यूएबल बनाया है, 3000, तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है। मैंने इसको स्क्रैप में बेच दिया है, मैंने इसे खरीदा, मैंने गलत प्रेडिक्ट कर लिया, ये लैपटॉप बिल्कुल कचरा है, 5000 का भी नहीं था और मेरे से ये 3000 से ज्यादा में नहीं, कुछ में भी नहीं बिक रहा है, मैंने इसको 500 रुपए में स्क्रैप में बेच दिया है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? क्यों? क्योंकि कोई न्यू जनरेशन ऑफ सर्विसेज या गुड्स नहीं हुआ सर, मैन्युफैक्चरर से जो कहता है रिटेलर, हां वो होगा नहीं, मैंने पूछा मैन्युफैक्चरर से रिटेलर क्यों नहीं इंक्लूड होगा, बिकॉज़ वो अभी तो फाइनल गुड्स बना ही नहीं, आप मेरे कल वाली क्लास देख चुके हैं, क्योंकि वो अभी फाइनल गुड्स बना ही नहीं है, वो फाइनल गुड्स कब बनेगा, जब वो फाइनल कंज्यूमर के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डेफिनेशन ही यही कहता है कि या तो सामान किसी दूसरे सामान को बनाने में यूज हो जाए, ठीक है, या तो सामान बेचने के लिए रखा गया है, ठीक है, क्योंकि बेचने के लिए अगर आपने सामान रखा है तो क्या आप उसको फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से तब तक इंक्लूड नहीं होगा जब तक वो फाइनल कंज्यूमर के पास, ठीक है। इसके बारे में हम और चर्चा अभी करेंगे, जब हम यहाँ आ जाएंगे तो और चर्चा करेंगे, तुमने उसको 5000 का बेच दिया, मैंने वापस लैपटॉप को ठीक ठाक करा के यश को 8000 का बेच दिया, if I am getting that 8000 rupees in my bank account, then only government will be able to know that. Yes. अब मैं 8 ले लूँ, 10 ले लूँ, 12 ले लूँ, अगर मैंने cash पे ले लिया, how would the government be able to know that? If you are getting that accounted, if you are declaring that thing, क्या ये earned the income, then only the government is going to get that. Bank में भी जाएगा, फिर भी कैसे पता चलेगा कि 3000 extra है? Classify करना, classify करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 8000 आपका income source कहाँ से आया? When you will classify that it is 8000 has been received from a customer, then you should, you will certainly classify कि भाई साहब ये 8000 पूरा मेरा income नहीं है, रुकिए जरा, ठीक है, इस सामान जिसको भी हम 8000 में बेचे हैं उसको हम 5000 में क्या किया? Accounting जैसे बनाते हैं उसको देखते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, for that you get, हाँ for that you get to do the accounting, for that without accounting तो possible ही नहीं है, and in that accounting also if you are declaring that thing then it is possible. If you are not declaring, if you are taking cash from someone and you are not going to declare that thing that has been sold or not sold, that will not come into the accounting also. The सरकार क्यों कह रही है भाई साहब कि आप cash में transaction ना करें? ठीक है, सरकार का ये emphasis क्यों? Why this emphasis is there in both digitalization? ठीक, everything should be digitalized. भाई साहब सरकार उन transactions को बेटा पकड़ ही नहीं पा रही है जो मेरे और इनके बीच में किस चीज में हो रहा है, और वो किसी हाल में नहीं पकड़ सकती. गवर्नमेंट कांट ड्रॉ एनी मैकेनिज्म फॉर दैट, अगर कर पाती तो आपको नहीं लगता है जब तक कर चुकी होती, और वो का ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है, गवर्नमेंट अगर चाहती तो नहीं करती होती, ठीक है. गवर्नमेंट की विडंबना देखो, ठीक है, विडंबना देखो क्या होता है. इफ अ पार्टिकुलर फर्म इज प्रोड्यूसिंग दिस लैपटॉप, तो भाई फर्म तो बताती है कि हमने लैपटॉप बनाया है,
और फर्म बताती है, मान लो कि ये एचपी का लैपटॉप है तो एचपी बताएगी ना कि भाई हमने लैपटॉप बनाया है, क्योंकि उसने तो रॉ मटेरियल भैया बैंक से पैसा देकर खरीदा है। एचपी कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं कि वो अपने सप्लायर से कैश में ट्रांजेक्शन कर ली, ठीक है। उसने जो भी चीज खरीदा, चिपसेट खरीदा, रैम खरीदा, कीबोर्ड खरीदा, ये खरीदा, प्लास्टिक का बाहर का बकल खरीदा, बैटरी खरीदी, जो भी खरीदा, ठीक है, उसने सारे सप्लायर्स को किस चीज में पेमेंट किया? बैंक से पेमेंट किया। तो बट ऑब्वियस भाई वो जब तक इसकी वैल्यू नहीं बताएगी वो तो बेचारी पागल हो जाएगी, सरकार उसको कोई टैक्स का बेनिफिट ही नहीं देगी। जो वो जीएसटी पे करके आई होगी, जो सामान सब इसने इक्विपमेंट्स खरीदे होंगे एचपी ने, ठीक है, तो भाई उसने जीएसटी पे किया होगा, इतना तो समझ में आता है। अगर भाई साहब वो डिक्लेयर नहीं करेगी कि मैंने लैपटॉप बनाया तो क्या सरकार वो जीएसटी का उसको बेनिफिट देगी? नहीं देगी, तो आप समझते हैं इतना बस, ठीक है। तो भाई एचपी की तो मजबूरी है कि वो डिक्लेयर करे कि उसने 50,000 का सामान बनाया और भाई साहब उसको इन्होंने जाकर के खरीद लिया 52,000। अब विडंबना देखो, 50,000 रुपए का सामने वाला जो लेकर के आया एचपी, जो डीलर है वो 50,000 का एचपी का लैपटॉप खरीद के लेके आया और सरकार उसने बेचा इसको बटन को 52,000 का, सरकार को बताता है 50,500 का ही बेचा। क्यों? क्योंकि सरकार ट्रैक ही नहीं कर पा रही है कि इसने 52,000 दिया या 50,500 दिया। नोट का सप्लाई कम कर दिया है तो अभी भी सरकार नहीं ट्रैक कर पाएगी। नोट का सप्लाई कम करो, सरकार और उलझन में फंस जाएगी, बहाएंगे अभी मनी। सोच के देखो, ठीक है, सरकार नोट का सप्लाई कम करके क्या कर पाएगी? सरकार नोट का सप्लाई कम करेगी तो अपने सर पे कुल्हाड़ी मारेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। सप्लाई कम होने से क्या होगा? नहीं, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा। जब लोगों के हाथ में कैश कम हो जाएगा तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जब आप अपना एक्शनेबल क्लेम बैंक में रख के क्या कीजिएगा? गवर्नमेंट को ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई कि कैश के बिना ट्रांजेक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है क्या आपका कि आप इकोनॉमी में से जीरो कर दीजिए कैश को और आप कहिए भाई साहब आप पंचर बनवाइए और उसको बोलिए कि हम पेटीएम से पेमेंट करेंगे, आप फोन पे करेंगे, सोचिए ना, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो भाई जब तक इकोनॉमी जीरो कैश पे नहीं आती है सरकार नहीं रोक सकती। बहुत सारा मैटर, बहुत सारी चीजें, कुछ मनी में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ गवर्नमेंट बजट में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आगे हम सारा मैटर हम यही डिस्कस करेंगे, बहुत सारा मैटर डिस्कस करेंगे। कैश भी तो जरूरी है, बिना कैश के ट्रेड कैसे मूव करें? वो भी नहीं, जब पूरा होता डिजिटलाइज, पूरा डिजिटलाइज वो भी है। तो हमने बोला कि भाई सारी चीजें इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं हो सकती है, कुछ चीजें ऐसी होंगी, ठीक है, जो खरीदा जाएगा लेकिन वो हमारे लिए क्या होगा? फिक्स्ड एसेट होगा, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और अगर वो फिक्स्ड एसेट है तो भाई साहब वो हमारे पास में रीसेल के पर्पस से नहीं खरीदा जाए। इसका एक एग्जांपल बताते हैं, मान लो कि नुदालम साहब बनाते थे बेकरी में उन्होंने एक अवन खरीदा, तो उन्होंने किसी एक ऐसे डीलर से खरीदा होगा जो अवन बेचता है। yes. नुदालम बाबू के लिए वो अवन है फिक्स्ड एसेट, लेकिन उस अवन के डीलर के लिए वो अवन फिक्स्ड एसेट नहीं है। उसने किस इंटेंशन से खरीदा है? रीसेल। तो अगर आप कोई चीज किस इंटेंशन से खरीदते हैं कि आप उसका रीसेल करेंगे तो भाई साहब वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आप समझिएगा बात को, ठीक है, वो आपके लिए स्टॉक है और स्टॉक हमेशा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, एक केस छोड़ के जो हम डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। तो ध्यान दिमाग में रखिएगा कि एक केस ऐसा है जहां पे स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि रीसेल के पर्पस से ही लिया गया था, लेकिन एक केस ऐसा है जिस केस में स्टॉक को भी हम एसेट बना देते हैं, ठीक है, हम अभी करेंगे कहां बना देते हैं, ठीक है, और स्टॉक को भी हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है बल्कि फाइनल गुड्स है, ऐसा एक केस है, हम भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि भाई इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट एवरीथिंग व्हिच हैज बीन परचेस्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम द अदर प्रोडक्शन यूनिट विल बी ऑलवेज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इफ इट इज यूज्ड फॉर
लॉन्ग टाइम ऑफ पर्पस देन इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ फाइनल गुड्स और उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक शब्द में बोलेंगे भैया वो हमारे लिए क्या है फिक्स्ड एसेट कोई दिक्कत नहीं आता समझने में बढ़िया हाँ बोलिए आगे देखते हैं बोलते हैं इन फैक्ट सच परचेजेस आर टर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट्स एज दे आर परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट मतलब वैसे प्रोडक्ट्स जो फिक्स्ड एसेट्स के रूप में खरीदे जाते हैं जो लंबे समय तक चलेंगे उनको हम फाइनल प्रोडक्ट्स बोलते हैं फाइनल गुड्स बोलते हैं हम एक एग्जांपल दे देते हैं आपको समझ बोला हमने अपने कोचिंग के लिए प्रिंटर खरीदा प्रिंटर भाई वो एसेट है इट्स अ फाइनल गुड्स हमने पेपर खरीदा वो इंटरमीडिएट वो एसेट नहीं है बिकॉज उसका नेचर फीचर क्या हो गया बल्क चीज हो गई ठीक है मैंने लैपटॉप लिया ये फिक्स एसेट मैंने एसी लिया फिक्स एसेट ये सर्विसेज के साथ में बह के नहीं निकल रहा हट नहीं रहा जा नहीं रहा इट एग्जिस्ट इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग रन और एसी का काम ही क्या है ठंडा करना आवाज है बोल रहे कर रहा है क्या एक दिन में कर रहा है एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा नहीं मल्टीपल इयर्स तक चलेगा लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट क्लियर बात समझ में नेक्स्ट बोलता है कि भाई जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिनको भी हम इंटरमीडिएट बोलेंगे उन सभी गुड्स का डिराइव्ड डिमांड होता है डिराइव्ड डिमांड अब हम समझाते हैं डिराइव्ड डिमांड क्या होता है बहुत आसान आज मुलाम बाबू को ब्रेड नहीं बनाना है क्या ये मैदा का डिमांड करेगा जब एक चीज का डिमांड दूसरे चीज के बनने या न बनने के ऊपर निर्भर करता है उसको हम डिराइव डिमांड कहते हैं जैसे आज इनको स्वीट्स नहीं बनाना है मिठाई नहीं बनाना तो क्या ये दूध का डिमांड करें तो भाई जब भी आप कोई सामान इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं आप कभी भी उसको इसके लिए नहीं खरीदेंगे आप कभी भी उसको बिना यूज का नहीं खरीदेंगे जैसे आपको मान लिया कपड़ा नहीं बनाना है तो क्या आप थ्रेड खरीदेंगे तो इनका क्या होता है डिराइव्ड डिमांड चलो तो होता है कि इनका हमेशा डिराइव डिमांड होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए गुड्स हमेशा तभी खरीदे जाएंगे जब हमें उससे कोई ना कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाना है अगर नहीं बनाना है तो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कोई गुड्स नहीं खरीदेंगे अगला अब ये पॉइंट एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट है ध्यान से बोलता है ड्यूरेबल गुड्स ड्यूरेबल का मतलब होता है वो सामान जो बहुत लंबे समय तक चलता है ठीक है ड्यूरेबल गुड्स जैसे लैपटॉप ड्यूरेबल गुड्स अच्छा अब कॉमन सेंस से अगर हम लोग देखें तो बाबू ड्यूरेबल गुड्स हमेशा फाइनल गुड्स होते हैं yes. चेक करके देखिए लैपटॉप प्रिंटर पंखा सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं प्रोजेक्टर ठीक है सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं और इन सारे गुड्स को अभी हम लोग तुरंत बोल करके आए हैं कि ये सब अगर हम लोग अपने यूज के पर्पस से रखते हैं तो ये सारे मेरे लिए क्या है एसेट्स मतलब फाइनल गुड्स ठीक है अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन मतलब जो बात पहले हुई है वो बात यहाँ अलग गलत ठीक बोलते ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक एयरक्राफ्ट व्हीकल्स एक्सेट्रा परचेज्ड बाय गवर्नमेंट अगर सरकार कोई ट्रक खरीदती है कोई मिलिट्री का इक्विपमेंट खरीदती है ठीक है कोई उसको क्या बोलते हैं टैंकर खरीदती है कोई एयरक्राफ्ट खरीदती है कोई फाइटर जेट खरीदती है कौन खरीदती है सरकार खरीदती है तो इंप्रेशन से क्या लग रहा है इंप्रेशन दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई ये फिक्स्ड एसेट होना चाहिए सरकार एक बार अगर टैंक खरीद ली ठीक है सरकार एक बार अगर फाइटर जेट खरीद ली तो ऐसा थोड़ी ना कि साल भर में वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाए तो इम्प्रेशन ये देता है ये सारी चीजें क्या इम्प्रेशन देती है कि भाई ये सरकार के लिए एसेट होना चाहिए yes. नॉर्मल सी बात अब नीचे देखो कि क्या नीचे देखता है इफ दे आर परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ आगे एक्सेप्शन मतलब हम लोगों को ये इम्प्रेशन लग रहा था कि भाई ये सरकार का एसेट होगा ठीक है बस यही एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अगर सरकार ने डिफेंस पर्पस के लिए ठीक है डिफेंस सर्विसेज के लिए ऐसी चीजों को खरीदा ट्रक हो गया टैंकर हो गया या ऐसी कोई भी चीजें हो गई जो आर्टिलरी है जो भी ऐसी चीजें हैं उनको उनका इम्प्रेशन जाता है कि वो एसेट्स हैं लेकिन वो एसेट की कैटेगरी में आते नहीं है वो किस कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी मतलब वो फाइनल गुड्स नहीं होते
अगर सरकार ने उनको डिफेंस सर्विस के लिए खरीदा है, नॉट फॉर मार्केट सेल। अगर सरकार मार्केट सेल के लिए खरीदती है तो बट ऑब्वियस आप समझ ही जाएंगे कि मार्केट सेल के लिए कोई भी चीज अगर खरीदी जाती है तो वो हमेशा क्या होती है, इंटरमीडिएट। क्या आपको समझ में आ रहा है? कहीं कोई आदमी बस कर देगा, उसे सर्विस देगा तो वो भी कोई आदमी बस, जी बिल्कुल। कोई टैक्सी ड्राइवर अगर टैक्सी खरीदेगा और उस टैक्सी को चला करके वो लोगों को हायर करने की सर्विसेज देता है, इट्स एन इंटरमीडिएट। तो इसमें सिर्फ स्पेसिफाई नहीं देगी सिर्फ गवर्नमेंट, लेकिन वो इसमें सिर्फ यही है गवर्नमेंट। टैक्सी ड्राइवर के लिए तो फिक्स सेट हो गया, टैक्सी ड्राइवर के लिए फिक्स सेट हो गया, लेकिन जब वो सर्विसेज दे रहा है तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। अब इसमें भी कंफ्यूजन, इसमें भी बहुत सटीकता से इसको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर हमने या तुमने कोई कार खरीदी तो बिना वजह, बिना किसी झंझट के हम उसको बोल सकते हैं कि इट्स एन एसेट, फाइनल गुड्स। लेकिन अगर किसी कैब ड्राइवर ने एक कार खरीदी तो मामला फंसने लगता है। भाई कार का काम क्या है? कार का काम है किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कैब ड्राइवर भी उससे क्या करता है? सही काम करता है। तो सुपरफिशियली प्राइम ऑफ किसी दिखता है कि भाई कैब ड्राइवर के लिए भी वो क्या है, एसेट। लेकिन जब उसमें डीप डाउन जाकर के देखते हैं तो देखते हैं कि भाई वो एसेट किस चीज के लिए काम में लाया जा रहा है, सर्विस प्रोवाइड करने के। फिर आप बोलेंगे सर वी आर टी एम तो हो नहीं रहा, या हो भी रहा है तो ऐसा थोड़ी ना कि एक राइड मार गया है एक चक्कर लगा, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो जब हम लोग वैसा किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो फिर हम लोग उसके हिसाब से डिस्कशन करें। ये एक्चुअली है ही थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा यू कैन से कि बहुत ज्यादा ये लॉजिकल टॉपिक है, आपको इसके लॉजिक को पकड़ के चलना पड़ेगा तो जाकर के आप फाइनल पोजीशन पे पहुंच पाएंगे कि भाई ये इंटरमीडिएट है या ये क्या है। कुछ जगह ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, जैसे इस जगह पे ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, पूरा इंप्रेशन जा रहा है कि ये क्या है, सरकार के लिए एसेट है, लेकिन लिख दिया कि नहीं भैया इसको आपको मानना पड़ेगा कि ये इंटरमीडिएट। क्लियर है? तो फिर आप अगर इस तरह चल जाएंगे ना, अगर इस ये चीज आपके दिमाग में चल जाएगी तो आपको फिर बाकी सारी चीजें बेमानी लगने लगेंगी। फिर आपको ये लैपटॉप भी लगने लगेगा, अरे सर जब बात करते हैं, जब सरकार वाली बात यहाँ कर रहे हैं तो आप इस लैपटॉप से मतलब वही काम कर रहे हैं जो सरकार कर रही है। आप इस लैपटॉप से एजुकेशन सर्विस दे रहे हैं, तो जब आप इस लैपटॉप से एजुकेशन सर्विस दे रहे हैं तो आप इसको भी इंटरमीडिएट मानिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट, दिस इज एन एक्सेप्शन पॉइंट ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड ओनली फॉर डिफेंस। इसका कोई लॉजिक आपको बोलने एक्सप्लेन ठीक है, एक्सेप्शन का कोई लॉजिक नहीं होता कभी, ठीक है। अगर इसका कोई लॉजिक होता तो हम अभी इतना एक्सप्लेन कर ही नहीं, हम सीधे उस लॉजिक को उठाते और एक्सप्लेन करते। अभी जैसे कि हम करेंगे आगे एक और ऐसा ही कुछ पॉइंट है, उसमें हम सीधे लॉजिक उठाएंगे और एक्सप्लेन करते, ठीक है। तो इसको अभी आपको फॉर द टाइम बीइंग याद रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट अगर डिफेंस सर्विसेज के लिए कोई एसेट खरीदती है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एसेट, इट विल बी इंक्लूडेड इन द इंटरमीडिएट। अगला बात बोलते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ये तो हम लोग कल से ही करते चले आ रहे हैं, ये सबको समझना आता है, ठीक है। कि भाई हम 40 रुपए का ब्रेड का वैल्यू ना पकड़ लें जो कि हम 10-10 रुपए का मैदा चीनी और चावल जोड़ते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पकड़नी है तो हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को सीधे क्या करते हैं, उठा लेते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया कि भाई साहब अगर कोई व्यक्ति है वो आटा चक्की चलाता है, उसने 700 रुपए का गेहूं खरीदा और 1000 रुपए का आटा बना के बेचता है, तो भाई हम सीधे आटा का कीमत पकड़ लेते हैं 1000 रुपए, है ना, ठीक है। उसमें ऑलरेडी जो हमारा गेहूं है 700 रुपए का, उसकी कीमत तो क्या ही हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो होता है कि भाई जब भी फाइनल गुड्स, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, विल नॉट कंसीडर ओवर द इंटरमीडिएट गुड्स, विल कंसीडर आवर फोकस ओवर व्हाट, फाइनल गुड्स की वैल्यू पकड़ लो, काम बन जाएगा। अगर फाइनल गुड्स की वैल्यू नहीं पकड़े तो भाई अगर दो वैल्यू पकड़ लिए तो 700 रुपए से क्या हो जाएगा, डबल कंप्लीट। क्लियर बात समझ में आता है? मतलब आपने आटा की भी कीमत पकड़ ली तो अरे भाई जो आटा 1000 रुपए का बनके तैयार हुआ है उसी में तो 700 रुपए का गेहूं लगा हुआ है, तो फिर आप 1700 पाएंगे, 700 तो ऑलरेडी 1000 में क्या। तो भाई हमेशा हम लोगों को इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू कभी भी हम लोग ऐड नहीं करते। एक कंसेप्ट उसको जरा ध्यान से समझिए,
सेम ईयर का कंसेप्ट या डिफरेंट ईयर का? क्या आपसे कहानी समझिए, आपको समझ अच्छी तरह बोलते हैं। एक ट्रेडर है, ट्रेडर का मतलब समझते हैं क्या होता है? ट्रेडर का मतलब आप जो बना बनाया सामान लाता है और उसको आगे से क्या कर देता है? मान लो कि ये ट्रेडर है, ट्रेडर ए, इसके पास 100 पीस कोई सामान आया। मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसके पास 100 पीस बाइक आई, ये बाइक डीलर, ठीक है, 100 पीस बाइक आई विद इन द ईयर, एक साल के अंदर इसके पास 100 पीस बाइक आई, इसने 98 पीस बाइक बेची। तो भाई 98 पीस बाइक जिनके हाथ में गई होगी उनके हाथ में फाइनल गुड्स तो गई होगी, लेकिन अभी हमारे पास ये 2 पीस बाइक है जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे नहीं बिकी, और नहीं बिकी तो अभी भी कहां पड़ी थी? शोरूम में, डीलर के पास पड़ी थी शोरूम में। अब हम लोग जो पीछे पढ़ के आए थे, हम ये पढ़ के आए थे कि डीलर इज अ पर्सन हु इज हैविंग द गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। डीलर एक व्यक्ति होता है जिसके पास में जो भी सामान होता है वो रीसेल के लिए होता है, और जिसके पास में भी रीसेल का सामान होता है उसको हम फाइनल गुड्स तो बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? और भाई इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं की जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पे विडंबना क्या आ रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? ये जो 100 पीस बाइक है जिसमें से 2 पीस बची हुई है डीलर के पास में, कब बनाई गई? साल बनाई गई। तो क्या ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स था? यस यस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स था तो फैक्टर सर्विस यूज हुई होगी, यस, फैक्टर इनकम जनरेट हुआ होगा, मतलब पैसा जनरेट हुआ, आपने बाइक बनाई होगी उसमें मैकेनिक यूज हुआ होगा, इंजीनियर यूज हुआ होगा, रॉ मटेरियल यूज हुआ, आपने पैसा दिया होगा, ठीक है। सिंपली आप हम सीधे बोले कि भाई जब भी कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है तो भाई साहब इनकम तो जनरेट होती है। अब अगर हम इस 2 पीस बाइक की वैल्यू को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ पाएंगे तो हमारी नेशनल इनकम का वैल्यू क्या होगा? ये आपको समझ में आया क्यों नहीं जोड़ पा रहे? इसलिए नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि भाई ये तो बिका नहीं, और भाई साहब ये उस पॉइंट पे पड़ा हुआ है जो रीसेल के लिए सामान लाता है, और रीसेल वाला सामान हम लोग डाल नहीं करते हैं इंटरमीडिएट को, हम लोग फाइनल गुड्स बोलते ही हैं। तो भाई तो फिर यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा कि ये 2 सामान जो इसी साल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम नेशनल इनकम में घुसा पाए वैल्यू। तो बोल क्या दिया? बोल दिया कि एनी गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द डीलर और द सेलर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। और जैसे ही ये फाइनल गुड्स कंसीडर हुआ अब ये नेशनल इनकम प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अगर वो फाइनल गुड्स नहीं बन पा रहा है तो नेशनल इनकम में नहीं आ पा रहा है। अगर वो नेशनल इनकम में नहीं आ पा रहा है तो कुछ तो हम तरीका ले लेंगे उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो भाई हमने ये तरीका लिया, हमने बोल दिया कि सीधे कि कोई अनसोल्ड स्टॉक अगर रीसेल पॉइंट पे पड़ा हुआ है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको हम फाइनल क्या कर लेंगे, फाइनल गुड्स डिक्लेयर कर देंगे। जैसे ही फाइनल गुड्स को डिक्लेयर हुआ वो हमारे कहां आ जाएगा? नेशनल इनकम में आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर कि किस वैल्यू पे? कॉस्ट प्राइस से, किस वैल्यू पे? कॉस्ट प्राइस पे कि सेलिंग प्राइस पे? क्योंकि ये तो बात आ गई ना कि भाई वो बाइक जो थी उसकी कॉस्ट थी मान लो 48,000 रुपया और वो मार्केट में बिकता 52,000 रुपए का, तो किस प्राइस पे उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करें? तो बट ऑब्वियस है किस प्राइस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। ये तो नॉर्मल कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी यही है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर ये बिकेगा कब? हम बोलेंगे नेक्स्ट साइकिल में बिक जाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में बिक जाना चाहिए। तो क्या कीजिएगा? तो जब नेक्स्ट ईयर में ये बिक जाएगा तो जितना वैल्यू एडिशन होगा, मान लो 48 का 52 में बिका तो कितना वैल्यू एडिशन है? तो वो अगला वैल्यू एडिशन किस साल में आ जाएगा? कोई दिक्कत समझ में? तो ये एक पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम एक बार कंक्लूड करते हैं पूरे पॉइंट को, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर हेल्प करता है, यूज करता है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो गुड्स या तो किसी दूसरे गुड्स को बनाने में यूज किया जाता है या रीसेल पर्पस के लिए कहीं पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे बात आ गई, 2 एक्सेप्शन है।
मान लिया कि कोई एक एसेट है जो गवर्नमेंट ने खरीदा है डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, तो वो एसेट्स दो फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट होने चाहिए। लगता है उनका इंप्रेशन कि फिक्स एसेट्स है, लेकिन वो हमारे लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन होते हैं। और दूसरा एक चीज जो कि लगता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि रिसेलर पॉइंट पे कोई सामान पड़ा हुआ है लेकिन अगर साल भर नहीं बिका, तो क्योंकि वो नहीं बिका इस साल लेकिन बना इस साल था, तो उसको फाइनल गुड्स में ऐड करते हैं हम, और उसको फाइनल गुड्स माना जाता है। ठीक है, फाइनल गुड्स से रिलेटेड और इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड आपका इतना बात है जो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बातें हैं वो सब आप जानते हैं, हम लोग उसको स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये आपको एक प्रोडक्शन बाउंड्री उसने बताया, ठीक है, कि बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री, सामान कब तक प्रोडक्शन बाउंड्री में है, तो जब तक एक सामान दूसरे सामान का रॉ मटेरियल बनता रहता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर पड़ा रहता है। जैसे यहाँ बोला कि फार्मर ए प्रोड्यूस कर रहा है कॉटन 2000 रुपए का और उसको बी को बेच दे रहा है। अब डिटरमाइन ये करना है कि कॉटन क्या हो सकता है, तो कॉटन कैन बी अ फाइनल गुड्स, कॉटन कैन बी अ इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंडिंग अपॉन द यूज। अगर वो कॉटन सीधे रुई की तरह बाजार में बिकता है तो वो फाइनल गुड्स हो जाएगा, और अगर उस कॉटन से थ्रेड बनता है तो वो कॉटन फिर इंटरमीडिएट हो गया। अब थ्रेड में भी जब हम आ गए, धागे पे भी अगर आ गए, तो यहां भी ये दो ट्रीटमेंट में जाएगा। अगर धागा डायरेक्ट बाजार में बिकता है तो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स, और अगर धागा किसी कपड़ा बनाने वाली मिल में चला जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये समझाना ये चाह रहा है कि भाई साहब जब तक फाइनल गुड्स नहीं होगी कोई भी चीज, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही क्या होती रहेगी, यूज के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अब बोल रहा है कि क्लॉथ मतलब कपड़ा का लट्ठा बनाने वाले व्यक्ति ने धागा यूज किया, ठीक है, और उसके बाद उसने लट्ठा बना के बाहर मार्केट में भेज दिया, तो बाहर मार्केट में क्या है, कपड़े का थान, जिसको हम लोग थान या लट्ठा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये क्लॉथ हो सकता था कि अभी फाइनल गुड्स ना होकर इंटरमीडिएट ही हो जाए। अगर ये क्लॉथ एक शर्ट मैन्युफैक्चरर खरीद के ले जाता, मतलब कपड़े का पूरा थान ही वो आदमी खरीद के ले जाता है जब एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है, तो वो कपड़े का थान फिर क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड्स, और तब फाइनल गुड्स पता है क्या बनेगा, रेडीमेड शर्ट। तो डिपेंड करता है कि कितने देर तक चीजें प्रोडक्शन बाउंड्री में रह सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा ने टाटा स्टील शीट्स बनाई, टाटा के लिए भाई वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि टाटा का काम ही क्या था, स्टील शीट बनाना। अब भाई वो डिपेंड करेगा कि स्टील शीट कौन लेके आता है, स्टील शीट अगर ये लेके आते हैं और अपने घर के छत पे लगा देते हैं फाइनल गुड्स है, और अगर वो लेके जाते हैं और बर्तन बनाते हैं बोलता है कि हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि गुड्स हमारा इंटरमीडिएट है या गुड्स हमारा फाइनल है। तो बोलता है भाई साहब सिंपल सा बात है, गुड्स देखने से कभी भी क्लासिफाई नहीं होगा कि वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। कैसे क्लासिफाई होगा, अब कमोडिटी कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज अ फाइनल गुड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द यूज। कल से हम इस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, बट ऑब्वियस आप इतनी चीजें अब समझ गए होंगे। उसने वही शुगर का एग्जाम्पल दिया, नीचे उसने इसका एग्जाम्पल दिया आपको करके बता दी। गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स, बट इफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द डीलर्स पॉइंट इट बिकम्स व्हाट, यहां पे वही बात जिसका पूरा लॉजिक मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। नेक्स्ट आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है रिपीटेडली, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा आप चांसेस नहीं है जब से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन हाँ पहले क्वेश्चन में पूछा जाता था, ठीक है। आप तो क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव के आपके आपके मार्क्स बढ़ गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव में अब इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा ऑब्जेक्टिव में चला जाता है, ठीक है। तो आपको पिक एंड चूज करने के लिए दे देगा कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है, कौन सा फाइनल गुड्स है, इस तरीके से पूछ, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इजी है। बोलता है फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरमीडिएट आप जानते ही है। पहला पॉइंट डेफिनेशन है,
दूसरा पॉइंट बोलता है दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, भाई सब ठीक है, इनको बोलते हैं कि भाई ये कहीं भी इंक्लूड नहीं होते हैं बिकॉज इनकी सारी वैल्यू कहाँ इंक्लूड हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, बोलते दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या है, अगर मुझे वो गुड्स चाहिए हम सीधे डिमांड करते हैं। एंड नेक्स्ट बोलता है इंटरमीडिएट गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स का डायरेक्ट डिमांड होता है, ये तभी डिमांड किए जाते हैं जब फाइनल गुड्स बनाना होता है। वैल्यू एडिशन बोलता है दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स, मतलब फाइनल गुड्स एज इट इज है, अब उसमें कोई नई वैल्यू एडिशन नहीं होगी, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में तब तक वैल्यू एडिशन होगी जब तक वो फाइनल गुड्स ना बन जाए। नेक्स्ट प्रोडक्शन बाउंड्री, फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल चुका होता है, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होता है। और लास्ट उसने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल डेफिनेशन देगा तो ऐसे बेसिस लिख डिफरेंसेस, आप बेसिस क्या लिखेंगे भाई साहब, आपसे बेसिस पे ही पूछेगा वो जी। सीबीएसई इंप्लाइज अ सर्टेन कंडीशन दैट, पहले होता था कि यू शुड जस्ट लर्न आउट 3 और 4 डेफिनेशंस फ्रॉम स्टार्टिंग से, 3 तो याद कर लेते हैं, 3 नंबर में लिख देंगे, नो you will not get that, ठीक है, CBSE will ask you the basis and you have to define the difference on that basis, मतलब पूरा है, पूरा समझना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल, मतलब वो basis लिख देगा कि इस आधार पर differentiate करके बताइए, ये नहीं कि कोई सा भी difference लिख देगा अक्कर बक्कर बम्बे वाला हमको याद है चार्ट, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हमको याद है चार्ट तो ऊपर वाला वो नहीं चलता, आपको सारा देखना पड़ेगा, यही तभी तो दिक्कत है CBSE के examinations में, बच्चों को पूरा thorough study करना पड़ता है। हाँ, आपको ये डायरेक्ट लिखने को मिल सकता है अगर आप स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में हैं, ठीक है, वहां पे यही फर्क है कि वहां पे थोड़ा सा सिलेबस आपको इजी पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना दोनों जगह सेम है भाई, सिलेबस कहीं डिफरेंट नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं, मोस्टली आपसे सही हो जाएगा, एक बुक को गलत होता है तो। पेपर परचेज बाय पब्लिशर, पब्लिशर मतलब जो बुक छापता है उसके लिए पेपर क्या है, इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स, पेपर लेगा तभी ना बेटा बुक बनाएगा, ठीक है। फर्नीचर परचेज बाय द स्कूल, ऐसे क्या है, सीधे बोलिए ऐसे, हां मिल्क परचेज बाय हाउसहोल्ड, फाइनल गुड्स, ठीक। परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप, इंटरमीडिएट, रीसेल करेगा, ठीक है। कोल यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, इंटरमीडिएट। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, ऐसे, ठीक। कोल यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, ऐसे नहीं कर पाएंगे बेटा इसको, लेकिन फाइनल गुड्स, क्योंकि कोल आप लेके आओगे तो थोड़ी ना उसको 2-3 साल तक यूज करोगे, ठीक है, लेकिन ये फाइनल गुड्स है। मोबाइल सेट्स परचेज बाय अ मोबाइल डीलर, परचेज ऑफ पल्सेस बाय अ कंज्यूमर, फाइन। अच्छा यहीं पे अगर होटल रहता तो इंटरमीडिएट, ढाबा रहता तो इंटरमीडिएट। चॉक डस्टर एटसेट्रा परचेज बाय अ स्कूल, ये इंटरमीडिएट गुड्स है बाबू, हाँ हम बता सकते हैं, बिकॉज एक तो इनकी वैल्यू कम होती है, दूसरा ये रेपिटेटिवली एक साल के अंदर 50 बार खरीदे जाते हैं, जैसे पेपर इंक, जैसे पेपर इंक वगैरह, इसमें हम समझाएंगे जैसे, अच्छा ठीक है, इसमें हम एक और डिस्कशन कर ही लेते हैं। जैसे आप प्रिंटर खरीद के लेके आए, तो प्रिंटर पहली बार जब आप खरीद के लेके आए ना, तो बेटा उसके साथ जो कार्टेज आया, कार्टेज सब अच्छे जानते हैं, ठीक है, प्रिंटर के साथ जो कार्टेज लगा हुआ है वो पहली बार ऐसे चल, लेकिन एक बार जब वो कार्टेज खत्म हो गया और आप दोबारा बाजार से कार्टेज लेकर के आए, तब वो इंटरमीडिएट का हो जाएगा। बोलता है फर्टिलाइजर्स यूज बाय द फार्मर्स, इंटरमीडिएट, बाबू क्योंकि फार्मर जब सामान बेचेगा तो सामान का जो दाम फिक्स करेगा उसमें फर्टिलाइजर की कीमत तो डालेगा ही ना, ठीक है, अगर फर्टिलाइजर की कीमत नहीं डालेगा तो उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटर परचेज बाय अ लॉयर, ऐसे ऐसे। वीट यूज्ड बाय द फ्लोर मिल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अनसोल्ड कोल विद अ ट्रेडर, आगे हम एट द ईयर एंड, मतलब एक कोल का ट्रेडर है जो कि उसके पास में कोयला बचा रह गया है, नहीं बिका है, तो ये फाइनल लॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉटन यूज्ड बाय अ प्रोजेनिटर, इंटरमीडिएट। वीट यूज्ड बाय हाउसहोल्ड, फाइनल। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फार्मर, एसेट। सीधे बोलवाओ एसेट, क्योंकि दिमाग चलना चाहिए, रेफ्रिजरेटर क्या एक साल में यूज हो जाएगा, नहीं ना। Sugar used by a sweet shop. चलो next class में हम लोग का ये topic start होगा consumption goods and capital goods, अभी on रखिए। चलो next class में मिलते हैं।
चार पांच और ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो इस चैप्टर में अपने को पढ़ने हैं। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हुआ आपके नेशनल इनकम का थियोरेटिकल कंसेप्ट खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिकल बहुत सारे कंसेप्ट उसके अंदर, फिर वो काम सारा आसान हो जाएगा जो निशक जानता है। खाली FCNT करना उसके, लेकिन जब तक आपको इन चीजों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तब तक सिर्फ फॉर्मूला बता देना सही बात नहीं है। फॉर्मूला बता देते तो आप भी नेशनल इनकम का सारा लिमिट लगाने लगते, नो डाउट, लेकिन पहले इस पूरे टॉपिक को समझना जरूरी है। बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, जानते हैं वो क्लासिफाई करना चालू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ट्रांसफर इनकम, इसके लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर इनकम कोई काम नहीं हो रहा है, फैक्टर इनकम काम हो रहा है। सैलरी रिसीव बाय एक्टिविटी, फाइनेंशियल हेल्प ऑफ अर्थक्वेक, ट्रांसफर इनकम, गुड। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, फैक्टर इनकम। कंपनसेशन का मतलब ये मत समझिएगा कि आपके साथ में कोई घटना दुर्घटना हुई है तब कंपनसेशन मिल रहा है। कंपनसेशन का मतलब लोग समझने लगते हैं मुआवजा, नहीं, ये कंपनसेशन का मतलब है नॉर्मल, आपको जब आप काम करते हैं और काम के बदले जब आपको पैसा मिलता है दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन। सैलरी, हाँ जी सैलरी, बिल्कुल, सैलरी, वेजेस, बोनस, ये सब इंसेंटिव्स, ये सब चीजें जो मिलती हैं उनको कंपनसेशन कहा जाता है, ठीक है। क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अरे बेटा तुम क्लेम रिसीव करने के लिए काम किए हो, एक्स्ट्रा मनी रिसीव या एडवांस सैलरी रिसीव लिख देता कि इंजर्ड वर्कर है, एडवांस में उसको सैलरी मिली है ताकि वो अपना इलाज करा सके, तब वो हो जाता था। नेक्स्ट, बर्थडे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंड, बोनस रिसीव ऑन दिवाली, दिवाली पे बोनस मिलना इज अ फैक्टर इनकम, ठीक है। क्यों फैक्टर इनकम,